हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी टाइम्स टीवी। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन ब्रेस्ट पीस। ये मैं आज एक नई तरीके से बनाने वाली हूँ। तो हमें ये सब सारी चीजें लगने वाली है: चीज, एग, सॉल्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट और ये काली मिर्च, ब्लैक पेपर। फ्राई करने के लिए कॉर्नफ्लावर और ये ब्रेड क्रम। ये ब्रेड क्रम इजीली अवेलेबल मिलते हैं मार्केट में, या आप घर पे भी बना सकते हैं। ये ब्रेस्ट पीस को मुझे बटरफ्लाई कट करके लेना है। पीस को मैं इसमें मुझे सॉल्ट, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, आपके हिसाब से आपको जितना तीखा चाहिए उसके हिसाब से आप काली मिर्च डाल सकते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट, चिकन के ऊपर ऐसे लगा के लेना है। उसके बाद ये जो मैंने चीज रखे हैं ये इसके अंदर डाल देना है और इसको फोल्ड करना है। मैंने जो मैरिनेट करके रखा हुआ ब्रेस्ट पीस को एग वॉश करना है, उसके बाद कॉर्नफ्लावर में अच्छे से कॉर्नफ्लावर लगा लेना है। इसमें आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं होगा आप मैदा भी यूज कर सकते हैं। ब्रेड क्रम, थोड़ा प्रेस करना इसको। फ्राइंग पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है, ये अच्छे से गरम भी हो गया, ज्यादा गरम नहीं करना है। अभी ये जो चिकन ब्रेस्ट पीस को मैंने जो तैयार करके रखा है ये इसमें फ्राई करने के लिए रख देना है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। 3 मिनट तक मैंने इसको फ्राई किया है, अभी इसको हम लोग दूसरी साइड पे फ्राई कर लेंगे। वाह, कलर बहुत ही अच्छा आया है। ऑयल को थोड़ा सा इसके ऊपर, चिकन के ऊपर आप डाल सकते हो। चिकन ब्रेस्ट पीस को मीडियम गैस पे फ्राई करना है। अभी ये 3 मिनट दोनों साइड से हो गए, मैं इसको 1 मिनट के लिए कवर करके रखूंगी क्योंकि ये अच्छे से कुक हो जाए अंदर से। Ready to be served.
गार्निश के लिए मैं इसके ऊपर हर्ब्स स्प्रिंकल कर रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल टेस्टी टाइम्स टीवी। थैंक यू।